आज की कहानी है भोपाल से 60 किलोमीटर दूर बसे कांकड़ खेड़ा गांव में जन्मी शादमा खान की, जिन्होंने दुनिया की तमाम चुनौतियों को पार कर अपनी पहचान बनाई है। शादमा की मां सिर्फ 26 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। उन्होंने नौकरी कर अपने बच्चों को पढ़ाया। तब शादमा सिर्फ 8 साल की थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा। शादी ना करने की ठानी, पर परिवार के दबाव में करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने नौकरी करने की जिद नहीं छोड़ी। शादी के 3 साल बाद उन्हें बेटा हुआ तो जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ गईं। उनका बेटा जन्म से ही स्पेशल चाइल्ड है, पर शादमा ने जिंदगी में फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एमएड, हिंदी और सोशल वर्क, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स में एमए किया। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन में नौकरी तो थी ही, पर शादमा को कुछ अलग करना था, इसीलिए उन्होंने एनजीओ सेक्टर को चुना। कई संघर्षों के बीच शादमा के पति ने उनका बहुत साथ दिया। जब बच्चे की देखभाल को लेकर शादमा पर उंगलियां उठी तो पति ने घर पर रुककर बेटे की देखभाल की, जिससे शादमा अपने सपने पूरे कर सके। शादमा ने इस बीच अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया और नौकरी के लिए वो 2 महीने के छोटे से बच्चे को लेकर घर से 125 किलोमीटर दूर रायसेन शिफ्ट हो गयी, जहाँ 2.5 साल उन्होंने नौकरी की। शादमा आज मुजफ्फरनगर में UNFPA सपोर्टेड प्रोग्राम में कंसल्टेंट काउंसलर हैं। उन्हें अच्छे काम के चलते हार्ड वर्किंग अवार्ड भी मिला है। शादमा इस बात की मिसाल हैं कि इरादे मजबूत हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।